पेंटिंग आर्टिस्ट जो अपने इमेजिनेशन से चित्रों को उकेरते हैं, खूबसूरत चित्रों को दिखाते हैं, अलग अलग जो कभी किसी ने ना देखी हो। देश में कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। लेकिन आज हम उदयपुर शहर के एक ओम प्रकाश जी सोनी बिजोलिया से मिलने आए हैं, उनसे बात करने आए हैं, जो जिन्हें चित्रों का डॉक्टर कहा जाता है। जी हाँ, चित्रों का डॉक्टर। डॉक्टर तो वैसे ऐसे होते हैं जो बीमार व्यक्ति को या फिर एक मतलब बीमारी व्यक्ति को एक ठीक करने के लिए उनकी दवाइयाँ देके उपचार करते हैं। लेकिन ये ओम प्रकाश जी सोनी बिजोलिया एक जो मृत पेंटिंग जो रहती है, जो सालों पहले दशकों पहले बनी हुई पेंटिंग हो, उनको एक नया जीवन दान देते हैं। कई ऐसी पेंटिंग इन्होंने बनाई हुई, सात से कहा जाता है 7 से 10 हज़ार पेंटिंग इन्होंने बनाई है। और आज हम उनकी आर्ट जो उनका है उनकी गैलरी में खड़े हुए हैं। खूबसूरत पेंटिंग देख सकते हैं आप, कैनवास पेंटिंग पे भी कई पेंटिंग्स बनाई हुई, कई शैलियों में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई है। लेकिन खासकर इनको चित्रों के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुरानी पेंटिंग्स जो 100 साल 200 साल मुगलों के समय की बनी हुई पेंटिंग को वापस से रिनोवेट करते हैं और उसको मूर्त रूप में लाते हैं, लेकिन वो दिखती ऐसी है कि उस समय ही बनी हुई है। इनके कलर में भी एक कलाकारी है जो कलर ये उपयोग करते हैं। ओम प्रकाश जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से बनाते हैं और कितना टाइम उनको हो गया है। नमस्कार सर, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, और चित्रों का डॉक्टर जैसे कहा जाता है तो किस तरह से पेंटिंग बनाते हैं आप? नहीं, चित्रों का डॉक्टर तो यह तो क्या, पुरानी जो पेंटिंग आती थी 200 साल 300 साल 400 साल पहले, जो जीर्ण शीर्ण हो गई है, सीलन से या कट फट गई है, टूट गई फूट गई है, कलर उनके डैमेज हो गए, तो उनको वापस पुरानी स्थिति में लाना और जैसी वो पहले बनी थी उस समय जो उनकी स्थिति थी उसी स्थिति में बनाना, ये कार्य मैंने किया है। और ये सर्वाधिक काम किया, सबसे ज़्यादा काम किया, करीब 7 से 10 हज़ार के बीच में मैंने ये पेंटिंग है उनका जीर्णोद्वार किया या उनको वापस पूर्व स्थिति में लाया हूँ। अच्छा, कोई कला ऐसी होती है जो खुद से डेवलप या गॉड गिफ्ट की जगह कहा जाता है, और कुछ होती है जो पारंपरिक होती है, परिवार से, परिवार की देन होती है, तो आपकी क्या परिवार की देन है, किससे सीखी है? हाँ, मैंने मेरे को बचपन से ही शौक था, 8 साल की उम्र से ही मेरे पिताजी से मैंने ड्राइंग करना सीखा। फिर मेरे गुरु जी थे रमेश जी सोनी या उदयपुर में, उनसे मैंने पारंपरिक चित्र शैली, जो लघु चित्र शैली जिसको कहते हैं, मिनीचर कहते हैं जिसको, उनकी शिक्षा मैंने उनसे ली। उनके सानिध्य में मैंने 5 साल काम किया और उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का स्वयं काम करना शुरू किया और सभी शैलियों में मैंने कार्य कर लिया। जितने भी भारत की शैलियाँ हैं सभी शैलियों के चित्र भी मैंने रेस्टोर किए जो पुराने चित्र थे, और उनकी नकलें भी बनाई वैसे की वैसी, उसी शैली में काम भी किया और खुद मेरी खुद अपने स्वयं के इमेजिनेशन से भी मैंने चित्र बनाए। ऑयल का काम मैंने खुद ने शुरू किया, मैंने स्वयं ने शुरू किया, और कैनवास पे जो चित्र ऑयल के चित्र ये सब मेरे खुद के बनाए हुए हैं, स्वयं के बनाए हुए हैं। कॉपी वर्क बहुत कम किया है ऑयल में, सब मेरी खुद की सोच से चित्र बनाए हैं। अच्छा, ये जो पुरानी पेंटिंग्स लेके आते हैं 200 साल 300 साल 400 साल पुरानी, उन वो लेके आते हैं या फिर उनको तलाशते हैं आप, उनके पास जाते हैं या फिर आपके पास ही आती है? नहीं, जो एंटिक्स का काम करते हैं व्यापारी लोग रही है उनके पास आती है, कोई डैमेज पेंटिंग वो खरीदते हैं तो फिर मेरे पास रिपेयर करने के लिए भेजते हैं, इनको वापस रिस्टोर करना है, इनको ठीक करना है। और कुछ मेरे पास भी आती है पेंटिंगें बिकने के लिए, तो मैं भी खरीद लेता हूँ और उनको भी ठीक करता हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए आप, और कौन कौन सी शैली में आपने ये बनाई है? मैंने तो सभी शैलियों में काम किया, मेरे को 35-37 साल हो गए काम करते करते। जैसे कुछ शैलियों के नाम बता सकते हैं? हाँ, मेवाड़ है, मुगल है, किशनगढ़ है, कांगड़ा है, देवगढ़ है, कोटा है, बूंदी है, नाथद्वारा है, जयपुर है, आमेर है, अलवर है, सभी बहुत सारी शैलियाँ, हर 100 किलोमीटर पे एक शैली मिल जाएगी भारत में आपको। अच्छा, बड़े बड़े जो कलाकार हुए, आर्टिस्ट मतलब एक्टर हुए या फिर पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पास भी आपकी पेंटिंग है? हाँ है, बहुत बड़े बड़े अच्छे लोगों के पास कलेक्शन संग्रह में है, म्यूजियम में भी है, विदेशों में भी है, बहुत सारी पेंटिंगें हैं और अभी भी मेरे से खरीद के ले जाते हैं तो लगाती है, घरों में भी लगती है, म्यूजियम में भी लगती है। अच्छा, खरीदने वाली बात हुई तो मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए तक की अपने यहाँ पर कॉस्ट में पेंटिंग है? अब इनकी तो कोई, वैसे तो 50,000 से लेकर 20 लाख 30 लाख 25 लाख तक की भी पेंटिंगें बनती है, बिकती है, मैंने बेची भी है 5 लाख से 10 लाख से, ये तो नॉर्मल है, बिकती है इतनी तो। आपको बता दें कि इनकी कलाकारी में एक विशेष रूप भी है, एक कलर, जो पुरानी पेंटिंग्स को उसी रूप में देने के लिए कलर की एक विशेषता है कि कलर, तो हम जानेंगे कि कलर किस तरह से बनाते हैं।
पुरानी पेंटिंग्स में नया रूप देने के लिए उसी तरह हुबहू लगती होगी, उसमें कलर किस तरह से यूज़ कर, क्योंकि आज के ज़माने के कलर यूज़ करेंगे तो वो एक नयापन दिख जाता है, इनमें कौन सा कलर यूज़ किया जाता है? पुराने समय में जो खनिज रंग काम में आते थे, स्टोन कलर काम में आते थे, या फिर मिट्टी के कलर काम आते थे, या वनस्पति के कलर, या कुछ बनाते थे आर्टिस्ट स्वयं, तो उनको तैयार करने की जो विधि होती है उस विधि से सिर्फ उनको तैयार करके उनको पीस के, जैसे ये पत्थर आते थे इस तरह के, ये हड़ताल है लेमन येलो जैसा, ये सिंदूरी टोन में येलो कलर, ये नील है जो फूल से बनती थी, नील की होती खेती होती थी बंगाल में, उसके फूलों को सुखा कर इसको तैयार करते थे, तो इनको पीस के और गोंद में इनमें घोट के और फिर इनको तैयार करते, ये हिंदुस्तान जिंक से जिंक निकलता है वाइट कलर, ये जिंक पाउडर इसमें खरल में, इस तरह से खरल में पीस के इनको तैयार करते हैं। अच्छा, इनको इस तरह से पीस के पत्थर को तैयार पाउडर करके खरल में डाल के फिर गोंद मिला के और इनको घोट के तैयार करते हैं, फिर इनमें पेंटिंग्स में लगा। अब ये जो पेंटिंग्स पड़ी हुई इसमें बताइए, जैसे किस तरह से पुरानी पेंटिंग आती है, ये पेंटिंग है तो इसमें ये एक पार्ट इसका निकल गया, टूट गया, खराब हो गया, तो इस पेंटिंग में पहले ऐसा का ऐसे पेपर चिपकेगा, फिर उसकी रेतमाल से बिल्कुल बारीक रेतमाल से आटे की लई से, गेहूं की जो आटे की लई होती है, लई बना के वो पेपर चिपका के फिर उसको रेतमाल से बराबर करके, फिर ये जैसा बना हुआ है उसी तरह का कलर उसी तरह से रंग लगा के ये चीज़ तैयार करेंगे। ये इसी तरह से तैयार की हुई है, ये बहुत ख़राब कंडीशन में थी पहले इसका, और ये भी बहुत, हाँ ये महाराणा, ये बूंदी की है, ये नाथद्वारा की है, ये मेवाड़ की है, महाराणा जगत सिंह जी की है, टाइम की है, मतलब ये पुरानी, ये खराब कंडीशन में आई थी। हाँ ये खराब कंडीशन में आई थी 200 साल पहले, ये छोटा सा पार्टी था इसको और पूरी डैमेज थी, इसको वापस रिपेयर किया। आप देख सकते हैं कि ये कितने फोटो साल पुरानी होगी सर ये पेंटिंग, ये करीब है 225 साल पुरानी, तो ये आप देख सकते हैं 225 साल पुरानी पेंटिंग है जो पूरी एक डैमेज कंडीशन में आई थी। मतलब इसमें नीचे वाला पार्ट बताते हैं, नीचे वाला पार्ट कुछ भी नहीं था, पूरा चेहरा थोड़ा डैमेज था, उसके बाद इन्होंने हूबहू उसी में पत्थर, जो इन्होंने बताया कि पत्थर के कलर का यूज़ किया और उसके बाद में इन पेंटिंग्स को उसी रूप में दिया और उसी तरह से दिखनी चाहिए, कि आप देख सकते हैं ये मोबाइल में दिखाते हैं कि इस तरह से कंडीशन में ये पेंटिंग आई थी। और अब ये पेंटिंग बन चुकी है इस तरह से। तो ये हमने बात की ओम प्रकाश जी सोनी बिजोलिया जी से, जो पूरी तरह से पुरानी पेंटिंग्स को, जो 200 से 400 साल पुरानी पेंटिंग है, उनको वापस से एक नया रूप, नया जीवन देते हैं, इसीलिए इनको चित्रों का डॉक्टर कहा जाता है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।